हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 21 दिसंबर शनिवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? मित्रों, आज आपके जीवन में कौन सी नई खुशियां दस्तक देने वाली हैं तथा कौन सी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा? आपके ग्रह गोचर आपके जीवन में, आपके व्यापार में तथा आपके लव लाइफ, आपके करियर में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं आपको बताएंगे। आपके और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और गणेश जी का कैसे आशीर्वाद बरस सकता है तथा आप अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हो, आपके घर परिवार पर कैसे सुख समृद्धि का वास हो सकता है, पैसे से जुड़ी आर्थिक तंगियों को कैसे दूर करोगे तथा आपके व्यापार, आपके करियर में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जिस भी कार्य की वजह से आप सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हो, उसमें आपको आज क्या करना है आपको बताएंगे। आपके व्यापार, आपके करियर, आपके लव लाइफ के बारे में, साथ ही साथ आज आपके लिए लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपके ग्रह गोचर आज आपके लिए कौन सी नई ऊर्जाओं को लेकर आ रहे हैं, कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्कृति में वृद्धि हो सकती है, इन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया गया है, अतः आज आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं आपको बताएंगे विस्तार से। मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए आज का दिन धन के मामलों में काफी अनुकूल रहेगा। व्यापार में जबरदस्त लाभ होने के योग बने हैं। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं भी सफलता का मार्ग खोलेंगी। पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं जिनसे कि आप थोड़े से परेशान व्याकुल हो सकते हैं। परिवार का वातावरण खुशनुमा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको खूब मन लगेगा। आपके ट्रांसफर होने के योग बने हुए हैं। यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो प्रयास आप करते रहें, सफलता आपको मिलेगी। प्यार के मामलों में आज का दिन काफी बेहतरीन रहने वाला है। आप अपने प्रेमी को, जीवन साथी को मीठी मीठी बातों से अपने मन को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए आज का दिन प्रेम संबंधों में गर्माहट लेकर आएगा और आपको जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे। आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तथा आपके बीच में जो भी बनी नहीं रही थी, जिस भी बात से झगड़े लड़ाई चल रहे थे, उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। आपका एक दूसरे के बीच प्यार बढ़ेगा। मित्रों, आज आप अपना पुराना कर्ज चुकाने में कामयाब रहेंगे। आपका कोई अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। मित्रों, अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में आज टकरा सकता है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। पारिवारिक जीवन भी सुकून से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो मित्रों, आज आप उसमें थोड़े व्यस्त रह सकते हैं और एक से अधिक कामों को हाथ डालने के कारण कार्यों का समय से संपन्न करने में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आज आप अपने एक कार्य को संपन्न करें, फिर दोबारा करने का प्रयास करें। मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से जिस भी कार्य को करोगे उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपके लिए आज का दिन प्रॉपर्टी के मामलों में बहुत अनुकूल रहेगा। यदि आपने पूर्व में प्रयास किया है तो आज आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सफलता प्राप्त कर सकते हो। आर्थिक रूप से आज का दिन बेहतर रहेगा, लेकिन परिवार में थोड़ी परेशानियों का आलम भी रह सकता है। इसकी वजह से आपकी माता जी का व्यवहार अथवा उनका चिड़चिड़ापन रह सकता है। आप उनकी कद्र करते हैं, इसलिए उनसे प्यार से बातें करें और माहौल को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज की शुरुआत आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। आप सुबह से ही ऊर्जावान रहेंगे और हर काम को बेहतर तरीके से और समय पर निपटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपका दिन बेहतर बना रहेगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन न केवल कार्य क्षेत्र में बल्कि निजी जिंदगी में भी खुशनुमा बना रहेगा। आपको बताना चाहेंगे कि प्यार के मामलों में आप थोड़े संजीदा रहेंगे और अपने प्रियतम से भिन्नता के चलते आप परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिनसे कि आपको भविष्य में पछताना पड़ सके। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज
तुला राशि वाले लोगों के लिए दिन थोड़ा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके जीवन में नई नई खुशियां दस्तक दे सकती हैं। आज का दिन काफी अनुकूल कहा जाएगा, लेकिन दिन का पूर्वार्ध ही अनुकूल रहेगा। उत्तरार्ध में आपको स्वास्थ्य संबंधी और खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप आज के दिन की शुरुआत थोड़ी बेहतर तरीके से करनी होगी, क्योंकि सुबह से ही आपको अपने कामों में खूब आनंद आने लगेगा। कोई ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो कि आपको खुश कर देगी। सरकारी क्षेत्र के लाभ होने के योग हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके पक्ष में नजर आएंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि किसी संपत्ति की बेचने से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में शांति वापस लौटेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण स्थितियों से गुजर रहा है, प्यार के मामलों में आज आपको अच्छे अनुभव की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए बड़ी उपलब्धियों वाला रहने वाला है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी, और यदि आपने किसी विदेश विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए आवेदन किया है तो उसमें सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। पिताजी को आर्थिक लाभ और उनके कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन से कोई अवार्ड मिल सकता है। मित्रों, पारिवारिक जीवन भी बेहतर रहेगा। प्यार के मामलों में थोड़ी सतर्कता आवश्यक है। अपने प्रियतम को गुस्सा करने से आज आपको बचना चाहिए। मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। जिस भी कार्य को करोगे उसमें सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। मित्रों, आज का दिन शानदार है। धन के मामलों में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। कारोबार में जबरदस्त लाभ होने के योग हैं। बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं भी सफल रहेंगी। कार्य क्षेत्र में आपका खूब मन लगेगा। परिवार का वातावरण खुशहाल रहेगा। पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, जिनसे कि आपके परिवार में कुछ ग्रह क्लेश चल सकते हैं। मित्रों, परिवार का वातावरण खुशहाल रहेगा। पिताजी की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी रह सकती हैं। प्यार के मामलों में आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। मित्रों, विद्यार्थियों को पढ़ाई की चिंता रहेगी। शत्रु सक्रिय होंगे। क्रोध पर नियंत्रित रखने का जरूरत है। जल्दबाजी में कोई काम न करें। पुरानी संपत्ति के रखरखाव पर धन खर्च हो सकता है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वाहन व मशीनरी से प्रयोग में सावधानी बरतें। प्यार के मामलों में दिन काफी अच्छा रहेगा। आप अपने पिता प्रियतम के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। आप अपने पुराने कर्जों को चुकाने में कामयाब रहेंगे। कानूनी अड़चनें दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में बात की जाए तो आप उसमें थोड़े से व्यस्त रह सकते हैं। व्यापार में नए प्रस्ताव लाभकारी रहेंगे। प्रेम संबंधों में गर्वाहट आएगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में सुकून मिलेगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज आप जो भी कार्य करें अपने दिल और लगन के साथ करते चले जाएं। प्रॉपर्टी के मामले में समय काफी अनुकूल है। आर्थिक रूप से आज का दिन बेहतर रहेगा। भावनात्मक संबंधों को जल्दबाजी में और आप कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें, जिनसे कि आपको भविष्य में पछताना पड़े। संतान की इच्छाएं पूरी होंगे। शत्रुओं से सावधान रहें। वाणी पर नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। आप काफी ऊर्जावान रहेंगे। हर काम को समय पर निपटाने की आपकी आमदनी बढ़ सकती है। किसी यात्रा पर भी जाने की संभावना दिख रही है। विद्यार्थी सफल रहेंगे। पूंजी निवेश कार्यों में सावधानी बरतेंगे। कारोबार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पारिवारिक समस्याओं को प्राथमिकता देने से हल करें। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए थोड़ा व्यस्त रह सकता है। आप कुछ नए अवसरों से मिलने के संकेत भी दिख रहे हैं। आपको एक बेहतर जॉब का ऑफर भी मिल सकता है। कारोबार में वांछित परिणाम की प्राप्ति होगी। मित्रों, विवेक से निर्णय एवं लाभ एवं सफलता प्राप्त करने में आप काफी सक्षम रहेंगे। नए कार्यों का आरंभ लाभकारी रहेगा। प्रॉपर्टी से लाभ होने की संभावना बनेगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। धनार्जन होगा। रोजगार के बेहतर अवसर आपको आज मिल सकते हैं। घर का वातावरण थोड़ा सा आपका शांत रह सकता है, लेकिन शाम तक सब कुछ बेफिक्र होकर आप अपने कार्यों को करते चले जाएं। प्रेम के मामलों में आज का दिन थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन में साथी के गुस्से करने सामने आपको करनी पड़ सकती है। मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता मिलेगी। मेहनत और लगन के साथ आप कार्य क्षेत्र में बेहतर सफलता
प्राप्त करते जाओगे। व्यवसायिक यात्राएं सफल रहेंगी, विवाह संबंधी प्रस्ताव आएंगे। अपनी बुरी आदतों पर काबू रखें, पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण लौटेगी। व्यापार के मामलों में आपको कुछ अच्छे अनुभव की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा, व्यवसायिक योजनाओं के विस्तार में मदद मिल सकती है। पुराने झंझटों से लाभ मिलेगा, मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे, परिवार में भी खुशियाँ आएंगी। माता पिता के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेन देन में सावधानी रखें, कोई जोखिम ना उठाएं, दोस्तों को रात की बातों को शेयर ना करें। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए काफी उपलब्धियों वाला लेकर आ रहा है। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बकाया वसूली के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका लकी कलर येलो रहने वाला है, लकी नंबर 7 रहने वाला है। मित्रों, आपका दिन बेहतर बने, आपको ठंड ना लगे, इसके विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आज का दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी। हेलो मित्र।